गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, द टुडे टॉपिक इज गंधक प्लांटिंग। बेसिकली द ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू द फाइव किंगडम। इन द अर्लियर क्लासेस वी आल्सो डिस्कस अबाउट द किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम मोनेरा, फंगी एंड देन वी डिस्कस द किंगडम प्लांटिंग। बेसिकली हियर वी डिस्कस द ब्रीफ ऑफ द प्लांट किंगडम प्लांटिंग, क्योंकि तीसरे चैप्टर पे इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो यहाँ ये ब्रीफ में है, ठीक है। तो बेसिकली किंगडम प्लांटिंग द यूकैरियोटिक टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कंटेनिंग द यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल एंड इट इज आल्सो कंटेनिंग द क्लोरोफिल, बिकॉज द क्लोरोफिल इज द मेन पिगमेंट व्हिच इज जनरली हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ द फूड, ठीक है। और ये जो क्लोरोफिल है वो क्लोरोप्लास्ट पर प्रेजेंट होता है, और क्लोरोप्लास्ट जो है इज नोन एज द किचन ऑफ द सेल, ये फूड को सिंथेसाइज करने का काम करते हैं, ठीक है। और कुछ जो प्लांट होते हैं वो कैसे होते हैं, हेटरोट्रॉपिक होते हैं, यानी ये दूसरे से फूड ऑब्टेन करते हैं, जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, पिचर प्लांट होते हैं, ठीक है, या वीनस फ्लाई ट्रैप होते हैं, तो इंसेक्ट को जो है ये मार के और उस तरीके से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। दूसरा है पैरासिटिक प्लांट, ठीक है, कस्कुटा जो एक पैरासिटिक प्लांट है वो किसी लिविंग होस्ट प्लांट से अपना फूड ऑब्टेन करता है। इसमें क्या होता है, हस्टोरिया प्रेजेंट होते हैं, और ये हस्टोरिया जो है किसी भी प्लांट के स्टेम में पेनिट्रेट करके अंदर तक धंस जाते हैं, उससे वो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। द सेल वॉल इज कंटेन द सेलुलोज, जो इनकी सेल वॉल होती है उसमें वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, बिकॉज सेलुलोज इज द मेन रिजर्व फूड मटेरियल, और सेलुलोज और स्टार्च दोनों रिजर्व फूड मटेरियल है जो प्लांट स्टोर करते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा। जो प्लांट किंगडम प्लांट है उसको पांच क्लासेस में बांटा गया है, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो बेसिकली एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट है, ठीक है, ये बेसिकली जो है ये उसमें आते हैं हेलोफाइट्स में, और टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म जो है वो आते हैं उसमें हेलोफाइट में, और ये जो है ये सीड बियरिंग प्लांट आता है, यानी इनके अंदर सीड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एम्ब्रियोफाइट्स बोलते हैं इनको। द प्लांट हैव टू डिस्टिंक्ट फेज, प्लांट की दो डिस्टिंक्ट फेज होती है, एक सेप्रोफिटिक फेज होते हैं जिसको डिप्लोइड फेज बोलते हैं, और एक गैमेटोफिटिक फेज बोलते हैं जिसको जो है गैमेटोफिटिक हैप्लोइड फेज बोलते हैं। अब यदि हम इसकी बात करें, जैसे कोई एंजियोस्पर्मिक प्लांट है तो उसकी मेन जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, सेप्रोफिटिक होती है, यानी प्लांट का बस सेप्रोफिटिक बॉडी होगी, डिप्लोइड होगा, उसके बाद उसमें जो है फ्लावर का फॉर्मेशन होगा, तो फ्लावर के बाद में जब उसके गैमेट बनेंगे तो उसकी गैमेटोफिटिक फेज स्टार्ट हो जाएगी, गैमेट बनेंगे, पोलन बनेंगे, उसके बाद एग बनेगा, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बन जाएगा, जायगोट फिर दोबारा से उसकी डिप्लोइड स्टेज होगी, इसलिए अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं, ठीक है। तो हियर वी डिस्कस अबाउट द किंगडम प्लांट ट्री। सेकंड वन इज द किंगडम एनिमेलिया, एनिमेलिया हेटरोट्रॉपिक होते हैं एनिमल्स, यूकैरियोटिक टाइप की सेल प्रेजेंट होती है इनमें, और मल्टी सेलुलर होते हैं, लैक सेलुलर, सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट, केवल जो यूग्लिना है वो एक ऐसा एनिमल है जिसको हम जो है ऑटोट्रॉप्स बोल सकते हैं, बिकॉज इट इज कंटेनिंग द क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, लेकिन हम यूग्लिना को यहाँ डिस्कस ना करके हम उसको कहाँ हमने उसको डिस्कस किया था प्रोटिस्टा में, ठीक है। लेकिन कुछ जो साइंटिस्ट है वो उसको किस में रखते हैं, एनिमेलिया में रखते हैं, ठीक है, क्योंकि फाइलम प्रोटोजोन्स जो है तो प्रोटोजोन्स को अलग से स्टडी करते हैं एनिमेलिया का, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ठीक है, यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। रिजर्व फूड मटेरियल इनका ग्लाइकोजन होता है, हमारी बॉडी में भी जो रिजर्व फूड होता है वो ग्लाइकोजन होता है, ठीक है, और ये हमें इमरजेंसी में फूड बोलते हैं इसको, ठीक है, ये एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है, यानी ग्लूकोज जो है किसमें चेंज हो जाता है, ग्लाइकोजन में विद द हेल्प ऑफ द इंसुलिन, इंसुलिन क्या करता है उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करता रहता है, जब हमको जरूरत होती है तो रिजर्व फूड की तरह हम यूटिलाइज कर देते हैं, ठीक है। डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न होता है, यानी किसी भी एनिमल की जो ग्रोथ है वो एक पर्टिकुलर टाइम तक होगी और उसके बाद उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, जबकि प्लांटों में जो ग्रोथ होती है वो एंटायर लाइफ होती है, चलती रहती है लगातार, ठीक है। एडल्ट हैव डेफिनेट शेप एंड साइज, वेल डेवलप्ड सेंसरी ऑर्गन, जिसमें सेंसरी ऑर्गन बहुत वेल डेवलप होते हैं, यानी ये कह सकते हैं कि एनिमल जो है मोर एडवांस है, ठीक है। अब यदि हम मैमल्स की बात करें तो मैमल सबसे एडवांस है, लेकिन यदि बाकी की बात करें हम जो उसकी बात करें पूरी पैरासिलेंटेटा, प्लेटियन मेटीज, एस्केल मेटीज, मोलस्का,
उसके बाद जो काइनोडर्मेटा, फिर कॉर्डेट स्टार्टअप, पाइसिस हो गया, फिर जो है एम्फीबियंस हो गया, फिर रेप्टाइल हो गया, बर्ड्स हो गए हैं, ठीक है, और फिर मैमल्स हो गए हैं। तो इन सभी में सेंसरी ऑर्गन जो वेल डेवलप्ड प्रेजेंट होते हैं। नॉन कोऑर्डिनेट की बात करें तो उनमें स्पेशल टाइप के सेंसरी ऑर्गन नहीं प्रेजेंट होते, लेकिन जैसे जैसे हम आगे की तरफ जाएंगे तो उसमें ब्रेन का डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है, बाकी के सेंस ऑर्गन प्रेजेंट हो गए, तो इसमें वेल डेवलप्ड सेंसरी ऑर्गन होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय द पॉपुलेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे मेल और फीमेल जो पॉपुलेशन करते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन के बाद जो है ये जो है जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं, फॉलोड बाय द फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, उसके बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि जब जायगोट बन जाएगा, ठीक है, तो ये मानो ये स्पर्म है, ठीक है, और ये ओवम है, ठीक है, दोनों के फ्यूजन होने से क्या बनेगा, जायगोट बनेगा। अब जायगोट बनने के बाद इसमें क्लीवेज स्टार्ट होगा, एक सेल से दो सेल बनेंगी, ठीक है, और दो से फिर जो चार सेल बन जाएंगे, उसके बाद चार से जो है फिर आठ सेल बन जाएंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से ट्रोफोब्लास्ट बन जाएगी, ठीक है, ये ट्रोफोब्लास्ट है, ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, और उसके बाद जो स्टेम सेल, ठीक है, और स्टेम सेल से इस तरीके से फिर तीन लेयर बनती है, ठीक है, तीन जो लेयर बनती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, यानी तीन लेयर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो इस तरीके से जो है तीन लेयर का। उसके बाद एनिमल्स को जो दो से बांट देगा, नॉन कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट, ठीक है, यानी जिनके अंदर वर्टिब्रा प्रेजेंट होती है उनको कोऑर्डिनेट बोलते हैं, जिनमें एब्सेंट होते हैं उनको नॉन कोऑर्डिनेट बोलते हैं। दैट्स इट।